Live 26. अब एंटरटेनमेंट कभी भी कहीं भी। बहुत अच्छी थी, बहुत कॉमेडी थी। सोनाक्षी डायना क्या पसंद आया? दोनों पसंद आए थे। कितने स्टार देना चाहिए आउट ऑफ फाइव? थ्री एंड हाफ। कॉमेडियन थी फुल, बस बेस्ट थी, मतलब सोनाक्षी ही है। सोनाक्षी या डायना? बोथ आर द सेम। मल्टीपल कास्ट ऑफ फिल्म है, तो क्या कुछ देखने मिला सर आपको फिल्म में? कॉमेडी था, अच्छा था, बट सस्पेंस लिटिल बिट था, स्टिल गुड। ओवरऑल कोई कॉन्सेप्ट की बात की जो आपको याद रहा फिल्म का, जो सबसे एंटरटेनिंग था? एंटरटेनिंग गुड्डू के लिए बस जो भाग गया था, बस लाइक प्लीज आई हैव टू गो। फर्स्ट पार्ट वाज गुड और सेकंड वन, लाइक सेकंड वन वाज अ गुड। सोनाक्षी ज्यादा पसंद आई एक कैरेक्टर में या बोथ आर द गुड? बट व्हाट द बेस्ट पार्ट फॉर यू इन द मूवी? गुड्डू सीन। फोर। फिल्म वॉज गुड एंड फर्स्ट पार्ट से कंपैरिजन था साइकोलॉजिकली, मुझे ऐसा लग रहा था कि फर्स्ट पार्ट ज़्यादा अच्छी निकलेगी जब मैं कंपेयर करूँगा, बट मैं सेकेंड में भी आई वॉज लाइक हैप्पी। लुक, सोनाक्षी वॉज प्लेइंग द मेन रोल एंड डायना वॉज मोर इन द कैमियो, सो यू कैन नॉट कंपेयर द रोल्स, बट या इफ़ यू टॉक अबाउट द ओवरऑल एक्सपीरियंस, आई थिंक the person who has taken the maximum credit is Jimmy Shegel. He has done the great justice. Compared to first, मैं पर्सनली डिसअपॉइंट होने के लिए आया था, मुझे ऐसा लग रहा था कि फर्स्ट पार्ट ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में यू हैड मोमल शेख, शी वॉज द पाकिस्तानी एक्ट्रेस हु प्लेड द रोल ऑफ द फियांसे ऑफ अभय देओल, सो शी लाइक ब्रॉट अ लॉट ऑफ पॉलिश टू द मूवी, शी वॉज नॉट देयर, सो आई थॉट दैट मे बी दिस मूवी विल नॉट बी एबल टू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशन, बट नहीं, दिस मूवी इटसेल्फ had a different experience. So sequel one happy bhag jayegi, compare mein happy fir bhag jayega, kya kuch difference dikha? Dekhiye happy bhag jayegi first part jo thi jab wo banayi gayi hogi to obviously they wouldn't have thought about making the second part. Jab pehla part acha jata hai, that is the time you think about making the second part. So the first part was made in like 20 crore and it earned somewhere around 50 crore, so did a good business and fir usi ke hisab se isko thoda aage follow up karne ki koshish ki gayi hai. Aksar kharab ho jata hai, but isme sambhal le gaya, matlab kharab nahi gayi hai. मुझे तो बहुत अच्छे लगे, लाइक रिसेंटली आई सॉ दिस मूवी साहब बीवी गैंगस्टर्स 3 एंड दैट टाइम, मतलब इन दैट मूवी इज़ वेरी सीरियस राइट, एंड इन दिस मूवी द वे ही इज़ एबल टू लाइक ब्रिंग दैट ह्यूमर, अब उनका ह्यूमर वैसा ह्यूमर नहीं है जैसे अक्षय कुमार का हो, बट इनका ह्यूमर जैसा लाइट ह्यूमर होता है ना, मतलब यू कैन रिलेट विद इट, सो इट्स नाइस। पूरी मूवी में डेली टच लेके आए वो, लाइक यू नो तेरा भाई घोड़ी भी चढ़ गया था, तेरी भाई शादी टूट गई, सो that is something if someone from Delhi watches this like will be able to relate it well, so nice. 3.5. thank you so much. All right, to bulati ho na wo bole nahi nahi bula denge hum log. ready, so kaisi lagi film? aap aa jao na thoda room jaane ki koi zarurat nahi, rehman aa gaya na bhai, rehman aa gaya. ha chal, kaisi lagi film? बहुत अच्छी लगी, सोनाक्षी सिन्हा का रोल बहुत ही अच्छा था उसमें, आई लव डायना पेंटी ऑल्सो, सो मुझे बहुत अच्छी लगी फिल्म, और कॉमेडी है, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमेडी बहुत है, तो अच्छा है पूरा सीन, पहला पार्ट इतना अच्छा नहीं है, दूसरा पार्ट ज़्यादा अच्छा है, कॉमेडी अच्छी होगी उतनी अच्छी लगी। जी मेरे को सोनाक्षी सिन्हा पहली बार फेवरेट है, तो उसकी हर एक फिल्म अच्छी लगती, तो सोनाक्षी सिन्हा का ही फेवरेट है, हर डायलॉग हर कैरेक्टर हर एक चीज़ उसका ही फेवरेट है। रेटिंग 5 में से 5 ही दे रही हूँ मैं सबको।